हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईएस बोर्ड में प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी जिसकी वजह से आप फेल भी हो सकते हो, इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल के सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो एनआईएस बोर्ड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सभी अपडेट्स भी पहुँचती रहे, आपकी पढ़ाई भी होती रहे और आपके पास इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारी व्हाट्सएप टीम के पास भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल बच्चों का ये होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम देने जो हम जाएं वो एग्जैक्टली किस डेट को जाएं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो डेट शीट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, आपका हॉल टिकट भी आ गया है। सो मान लो आपकी जो एग्जाम है वो 16 सितंबर से शुरू है, 16 से 19 के बीच में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आपको बताई गई है। सो एग्जैक्टली किस डेट को जाना है और क्या क्या लेकर के जाना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है तो आप एग्जाम से एक दिन पहले यानी 15 को जा करके एक बार अपने एग्जाम सेंटर पे चेक कर लें। वहां पर आपको लिस्ट लगी हुई मिल जाएगी आपके रोल नंबर के साथ कि भी आपको एग्जैक्टली किस डेट में आना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 16, 17, 18, 19 चारों दिन आप जाओगे चक्कर काटोगे, तो आपको एक दिन पहले जा करके वहां पर चेक करना होगा। अगर आपको लिस्ट नहीं लगी हुई मिलती बाई चांस तो वहां पर टीचर होंगे, उनसे आप कन्फर्म करिए कि मुझे एग्जैक्टली किस डेट को आना है। ठीक है, इसके अलावा जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको किस टाइम जाना है, क्या क्या लेकर के जाना है और वहां पर क्या क्या होगा, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस दिन आपको आपका हॉल टिकट लेकर के जाना है, आपका आई कार्ड लेकर के जाना है, इसके अलावा मेन चीज जो आपने फाइल बनाई है उसको आपको लेकर के जाना है। साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आपकी फाइल बनी हुई होनी चाहिए, उसको डेकोरेट करके अच्छे तरीके से आप लेकर के जाइए और वहां पर आपको उसको सबमिट करनी है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन क्या होगा, देखो सबसे पहली चीज़ कि आपकी फ़ाइल सबमिट करी जाएगी जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा और वाइवा होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे लिखने के लिए जिनका आंसर आपको लिखना है, इसके अलावा वाइवा में भी क्या होगा, वाइवा में आपसे कुछ क्वेश्चंस ओरली पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर करना है। अब काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना टफ लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं वाइवा में उनका आंसर करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट का एक दो टॉपिक खुद प्रिपेयर करके जाएं। इनकेस अगर एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसका आंसर आप ठीक से नहीं दे पाते तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो टॉपिक है ये मैंने प्रिपेयर किया है, तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक दो टॉपिक खुद से भी आपको अपने सब्जेक्ट का प्रिपेयर करके जाना है। अब काफ़ी बच्चों को लगता है कि रिटर्न एग्जाम में पता नहीं कितने भारी भरकम सवाल हमसे जो है करने को दिए जाएंगे। सो बच्चों, कुछ बेसिक से क्वेश्चन ही आपको दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाते। आपको कोशिश करनी है कि आपको उनका आंसर करना है, आप शीट को खाली छोड़ करके ना आए। ठीक है, वहां पर आपको पेपर दिया जाएगा उस पर आपको लिखना है, तो पेन आपको अपना खुद लेकर के जाना है। और वाइवा में भी क्या है, आपको चुप नहीं रहना, एटलीस्ट जितना आपको उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत चीज़ें पता है उनका आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम में आप अब्सेंट बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आप अब्सेंट होते हो, अगर आप प्रेजेंट नहीं होते तो फिर आपको जो है फेल कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होना, प्रैक्टिकल एग्जाम देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप उसको जो है मिस नहीं कर सकते, उसमें अब्सेंट नहीं हो सकते। इसके अलावा आप कोशिश करें कि टीचर को आप किसी तरीके से नाराज़ ना करें, बिना वजह की बहस ना करें, आपको जो है स्मार्टली चलना है और प्यार से सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। क्योंकि अगर किसी बात पर टीचर आपके नाराज़ हो जाते हैं, आप बिना वजह से किसी टॉपिक पर भिड़ जाते हो, तो सिचुएशन में वो में जो है वो आपके मार्क्स को काट लेते हैं या फिर आपको फेल भी कर देते हैं या फिर आपको अब्सेंट लगा देते हैं। तो टाइमिंग को लेकर काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों नॉर्मली क्या है, आपको 9 बजे के आसपास ही अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल के सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, हमारे पास से आपको प्रैक्टिकल की PDF मिल जाती है पूरा सॉल्व हुई भी, उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट कंपलसरी होते हैं हर एक सब्जेक्ट
के वो आपको मिल जाते हैं। लगभग 1/3 एक्सपेरिमेंट ज़रूरी होते हैं आपको अपनी फाइल में बनाने, तो हमारे पास जो आपको सॉल्यूशन मिलते हैं वो 1/3 से भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलते हैं बाय एक्सपर्ट टीचर्स। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट टीचर्स हमारे जो है प्रैक्टिकल तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं, जिसमें से आपको जस्ट कॉपी करना है और आपको बेहतरीन मार्क्स मिलने की गारंटी देते हैं हम। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहें तो आप हैंड रिटन रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल की सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको बिल्कुल तैयार डेकोरेट की हुई नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखी हुई प्रैक्टिकल फाइल मिल जाती है, जिसको आप लेकर डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, या फिर 7303838500, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप अपनी रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारी व्हाट्सएप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दें ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो, और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।